और उसके बाद जो है हम लोग डायरेक्टली आज एक मिराक्युलस चीज देखेंगे, आप सबको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैं सिलेबस इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कल को कोई मेरा स्टूडेंट अगर ऐसे बोले कि सर आपने ये प्रॉमिस किया था नहीं सिखाया, जो लोग पुरानी बैच कर चुके उनको पता है सर ने जितना प्रॉमिस किया उससे ज्यादा सिखाया, लेकिन अभी भी मैं आपको टोटल 64 चीजें सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी क्यों सीखना है ये तो आज ही बता दूंगा आपको। अंक जो होते हैं, न्यूमरोलॉजी सबसे पावरफुल साइंस क्यों है, मीनिंग ऑफ अंकों के जो शेप होते हैं वो भी आज आपको समझा दूंगा कैसे। साइंटिफिक वैल्यू ऑफ नंबर, आपको पता है हर नंबर इंग्लिश की ही मेथड क्यों यूज की जाती है न्यूमरोलॉजी में, मराठी में न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं होती है, हिंदी में क्यों नहीं होती है? बहुत से लोग बताते हैं हिंदी में ये शब्द की ये वैल्यू है, पर इंग्लिश ही क्यों पावरफुल है, चार्डियन मेथड ही क्यों पावरफुल है वो सीखेंगे हम। फर्स्ट अल्फाबेट हम नाम का कैसा लिखते हैं, हस्बैंड वाइफ के हिसाब से वास्तु कंपेटेबिलिटी कैसे देखी जाती है, लक्ष्मी अंक का यूज कैसे करना है, सीक्रेट क्वेश्चन किसी के हो तो वो आपको कैसे पता चलते हैं, बिना कोई आपके सामने आके बैठ गया प्रश्न नहीं बता रहा है फिर भी आप कैसे पहचान सकते हो, वो भी बिना रमल के। हाँ रमल नहीं, बिना रमल के। फिर प्रेग्नेंट लेडी बहुत बार, अभी अभी ये लॉजिकल नहीं है, यूट्यूब पे जाएगा तो वीडियो प्रेग्नेंट लेडी से रिलेटेड क्वेश्चन आप बता सकते हो। ईयर नंबर जो हम निकालते हैं वैदिक पद्धति से और चार्डियन मेथड से, उसका इंपैक्ट कैसे होता है लाइफ में। शेयर मार्केट पूरा सिखाऊंगा, शेयर मार्केट का कोर्स मार्केट में 25,000 में सिखाया जाता है, सिर्फ शेयर मार्केट, वो मैं आपको इसमें क्या सिखाने वाला हूँ। जीना त्रिपाठी जी प्लीज ऑफ रखें, मुझे कोई भी बीच में, ठीक है। तो शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ, आपने अगर एक भी क्लाइंट आपको मिल गया है शेयर मार्केट का और उसको प्रोफाइल पोर्टफोलियो बना के दे दिया आपने, भाई तू स्मॉल कैप कर, तू मिड कैप कर और ये वाले शेयर्स कर, खत्म, और उसका फायदा हो गया, तो आपके माननीय सर के बैच की फीस एक ही दिन में निकल जाएगी। मैं बना के देता हूँ पोर्टफोलियो लोगों को, एक एक पोर्टफोलियो के 11,000 रुपए चार्ज करता हूँ। उसके बाद लकी टाइम होता है हर एक का, शेयर मार्केट से रिलेटेड है कि किस समय पे ट्रेडिंग करना है यूट्यूब पे। अच्छा एक हमारे भाई साहब है, आज है या नहीं पता नहीं, उन्होंने उनकी बहुत बड़ी कंप्लेन थी मेरे से, आप भी कर सकते हो, हाँ बाद में आपको भी अलाउड है। उन भाई साहब का ये बोलना था कि सर आप यूट्यूब पे ही सब कुछ डाल रहे हो तो हमारे पास से कंसल्टेंसी कौन ले जाए। अरे भैया मेरा नाम डॉक्टर नवनीत मानदनी है, मैं मारवाड़ी हूँ और मैं यूट्यूब पे उतनी चीज डालता हूँ जितनी आम लोगों को समझे, और आम लोगों को समझने वाली चीजें उसे आम लोगों का ही फायदा होता है। अगर आपको लाइफ में बड़ा बनना है तो आपसे कंसल्टेंसी लेंगे, आपके एफर्ट्स कहीं पे कम पड़ रहे हैं इसलिए कहके आपके पास कंसल्टेंसी नहीं आ रही है। मैं यूट्यूब पे बेसिक बेसिक चीजें बताता हूँ, सारी की सारी चीजें बता दूंगा तो फिर आप ये बैच में ही नहीं आते मेरे। और एक आदमी का ऐसे हुआ था मेरे की एक मैम को फोन आया था कि सर सब कुछ यूट्यूब पे डाल चुके हैं, मैं तो खुद ही न्यूमरोलॉजिस्ट बन गया, मुझे कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं। तो फिर मेरे पास रोज 15-15 कंसल्टेंसी नहीं आती अगर लोगों को जरूरत नहीं होती तो। कृपया करके अपनी बुद्धिमत्ता ऐसे ना जताए, इससे मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा आपको कुछ बुरा लगेगा। तो जो चीज यहाँ पे सिखाई जाएगी वो पूरी की पूरी कंप्लीट सिखाई जाएगी। हाँ एक चीज लेकिन मैं बहुत फॉलो करता हूँ मेरे जीवन में, मैं सीए को पढ़ा रहा हूँ पिछले बहुत सारे सालों से, 60,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मैं कभी भी कुछ भी छुपाता नहीं, मैं सब सिखा देता हूँ। आप आपके कर्मों से कमाओ, मैं मेरे कर्मों से कमाऊंगा, मैं छुपाऊंगा ही नहीं। मैं ऐसा गुरु हुई नहीं कि कुछ सीक्रेट रख दूंगा, सब सिखाऊंगा, सब 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 सब। फिर तुम्हारे नसीब तुम्हारे हवाले, वतन साथी हो, अभी खुद के एफर्ट्स लो और खुद को जितना सीखना है सीखो। उसके बाद हम सीखेंगे लकी टाइम, इन्वेस्टमेंट न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। आपको पता है एक दिन में 5 नंबर देता हूं मैं मोबाइल के, एक नंबर के चार्जेस 6,000 रुपए होते हैं मेरे। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी पूरी सिखाई जाएगी आपको, तो और वो वाली मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाई जाएगी जो मार्केट में घूम रही है, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच वाली। केशव जी प्लीज साउंड म्यूट रखें। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला पार्ट है वो है कि आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में मोबाइल के कलर्स, मोबाइल वॉलपेपर, मोबाइल के यंत्रा बताए जाएंगे। तो
करेंसी प्रेडिक्शन जो हमारे दिल्ली में बत्रा फैमिली के इसमें क्योंकि नहीं सिखाने वाला, मैं मेरे हिसाब से सिलेबस सिखाऊंगा, आप मुझे नहीं बोल सकते तो क्या सिखाना है। हाँ तो मैम मुझे पता है कि कुछ लोग सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए आए हैं, कुछ लोग सिर्फ स्वर विज्ञान सीखने को आए, कुछ लोग सिर्फ शेयर मार्केट आए हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेरे हिसाब से सिखाऊंगा। मैं घर पे जाके मेरे वाइफ को पूछता हूँ आज क्या सिखाऊं, फिर वो बोलती है ये सिखाओ, फिर मैं वही सिखाऊंगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, मैं मेरे स्टेप से सिखाऊंगा। ठीक है, करेंसी प्रिडिक्शन, किसी को आपने बोला कि जेब से तेरी ये नोट निकाल और वो नोट निकालते आपने उसके मन की सारी बातें बोल दी, पॉसिबल है? दिल्ली में हमने एक्सपीरियंस किया था बत्रा फैमिली के इवेंट पे, जब मेरा लेक्चर हुआ जो लोग आप में से आए थे, तो लोगों के हाथ में नोट नहीं थी फिर भी प्रिडिक्शन सही निकला, दैट इज द पावर। और आपको लक्ष्मी नोट बनाने की विधि भी बताऊंगा मैं। दिवाली आ रही है, पैसा कमा लो उससे। स्वप्न विद्या क्या होती है बोल तो, आपको जो सपना गिरता है कौन से सपने फलित होते हैं और कौन से सपने नहीं होते, और अगर खराब सपना आया तो उसको क्या कि आप कैसे उस सपने को बचा सकते हो बोल तो, समझो अर्ली मॉर्निंग आ गया जो सच होते हैं सपने, और आपने कुछ तो खराब देख लिया, आपका कुछ लॉस हो रहा है, तो उससे अगर आपको बचना है तो उसका उपाय क्या, वो भी सिखाऊंगा। देन शकुन अपशकुन, शकुन अपशकुन कैसे है, शकुन अपशकुन जो है इसमें क्या कि आप कुछ शकुन ऐसे होते हैं जो खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं समझो हमको इतना ही पता है बिल्ली आड़ी गई तो बाबा लॉस होता है, अरे भाई कौन से साइड से गई, बिल्ली को आड़ी पुराने राजा महाराजा जो थे वो शकुन क्रिएट करते थे होके, तो वो हम सीखेंगे हमारे लाइफ में। जैसे मैंने आपने किसी ने मेरा एक यूट्यूब लाइव देखा होगा, मैंने 1 महीने तक करके देखा, अभी देखो आज ही आपके पैसे फिर जाएंगे। झाड़ू होता है ना घर का, वो मैं मेरे पलंग के बाजू में रखता था और सुबह उठते ही मेरी पहली नजर झाड़ू पे गिरती थी, झाड़ू पे गिरते उस दिन की बोलते 2-3 लाख का तो क्रेडिट होता ही था अकाउंट में, तो अभी भी होता है वो, तो झाड़ू जो है वो शुभ होता है, तो अभी ये शकुन शुभ है लेकिन मैंने वो क्रिएट किया। ऐसी चीजें आप सीख सकते हो। 101 रेमेडीज बताऊंगा निम्र, कोई भी ऑकल्ट में आप कब हिट हो गए जब आपकी रेमेडीज प्रूवन हो, आपकी रेमेडीज काम करे, ऐसे आपको मैं 101 रेमेडीज बताऊंगा। बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, जोड़ियक नंबर, नंबर 1 to 9, 1 से 31 तक के नंबर, कार्मिक डेट नंबर क्या होता है, बिजनेस के नंबर कैसे यूज होते हैं, इलेमेंट थेरी क्या है, सिर्फ वास्तु में नहीं न्यूमरोलॉजी में भी होती है, नंबर के एनिमीज, नंबर के फ्रेंड्स पे तो इतने वीडियो है, हर न्यूमरोलॉजिस्ट की नई लिस्ट तैयार होती है, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका दुश्मन है, ये इसका न्यूट्रल है, आपको मैं परफेक्ट वाला बताऊंगा। लोशो ग्रिड आपने जो सीखा है वो अलग बोल दो, उसमें भी एडवांस, बहुत बार आपके पास ऐसे क्लाइंट आता होगा ना जिसकी गोल्डन लाइन हो गई, सिल्वर लाइन हो गई, फिर भी बेचारा भीख ही मांग रहा है, तो उसका लॉजिक क्या है, उसको देखते कैसा है वो बताऊंगा। ईयरली लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, मंथली कैसे बनाता है, डे का लोशो ग्रिड कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। बाद में उसी में एरोज ऑफ स्ट्रेंथ वगैरह आता है, नंबर की कंपेटेबिलिटी हो गई, हमारे टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं न्यूमरोलॉजी के, 81 कॉम्बिनेशन, सारे सिखाऊंगा। प्रोफेशन और नंबर का क्या कनेक्शन है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी इसमें सिखाई जाएगी पूरी, चार्डियन पाइथागोरियन नंबर के वैल्यू सिखाए जाएंगे, मोबाइल नंबर को कंपेटेबल कैसे देखते हैं, बैंक का अकाउंट नंबर कैसे चूज किया जाता है, गाड़ी का नंबर कैसे चूज किया जाता है, घर का नंबर कैसे चूज किया जाता है, पर्सनल ईयर के कैलकुलेशन कैसे, हस्बैंड वाइफ अगर गलत मिल गए तो जीवन कैसे हो जाता है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है क्या, फिर से सेम वाइफ से शादी करके, वो सिखाऊंगा। फिर सेम वाइफ से बोल रहा हूँ मोहित जी, देन कोई चीजें आपकी गुम हो गई तो उसको ढूंढने के लिए न्यूमरोलॉजी में कोई मेथड है क्या, फर्स्ट लेटर का एनालिसिस कैसे करते हैं, देन A to Z के मीनिंग और उनके यूज कैसे करने हैं, ट्राइगुनम, ट्राइगुनम सीखने की फीस 1.5-2 लाख है, आपको मैं चैलेंज करता हूँ, चलो अभी अनम्यूट करके मुझे कोई आंसर दे दो। दो जुड़वा भाई है, दोनों का मूलांग भाग्यांग सेम रहेगा, राइट, उनका भविष्य अलग कैसे होता है, नाम से सर, कौन बोले? सर नाम से, नाम नेम डिफरेंट होता है, नाम से नेम की वाइब्रेशन डिफरेंट होता है क्या, नाम की वाइब्रेशन डिफरेंट, नाम की वाइब्रेशन डिफरेंट आती है, इसलिए उनका जो फीचर है वो डिफरेंट होता है। वेरी गुड सर, दोनों के सर दुनिया को बताने के लिए कॉन्फ्रेंस सर, टाइम पर टाइम में टाइम फ्री, न्यूमरोलॉजी में टाइम कहां से आया, न्यूमरोलॉजी में बर्थ टाइम देखते हो क्या आप? नहीं 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 ना, नहीं देखते,
अच्छा समझो, दो मिनट के लिए दोनों का नाम भी सेम रख दिया, संजीव संजीव नाम रख दिया, संजीव कुमार रख दिया। अब हॉस्पिटल मध्ये नंबर मिळतात। अच्छा मॅम का बोलना है, केस स्टडी का जो नंबर मिलता है ना केस पेपर का, उससे भी नसीब बदलता है। मैम पुराने जमाने में तो दाई माई करती थी घर पे, फिर उनका क्या, तब न्यूमरोलॉजी मालूम नहीं। मैं आपको मेथड दूंगा जिससे आप जुड़वा भाई का नसीब अलग कैसे है, नेम को भी छोड़ के वो आप बता सकते हो। जुड़वा नहीं तिड़वा, तिड़वा तीन तीन बच्चे हो गए तो उनका नसीब कैसे अलग होता है वो भी सीखा। लेकिन भाई आपने कभी सीखा है क्या आज तक, नेम छोड़ दो अंबानी क्यों नहीं बने। आपका आंसर होता है कर्मा, आपका आंसर होता है उसका नाम, आपका आंसर होता है उसकी सिग्नेचर, ये मेरा भी आंसर है, लेकिन आपको मैं रियलिटी बताऊंगा कि उसका कारण क्या है और आप खुश हो जाओगे सुन के, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मजा आएगा कि नहीं? आएगा सर, मजा आएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ये चीज नहीं सिखाई थी कभी मेरे, और ये YouTube पे नहीं आने वाली है कभी भी। हाँ, देन उसके बाद आपको लोगो की थ्योरी सिखाऊंगा। जब भी आपके पास क्लाइंट आता है उसका लोगो देख के आपको क्लाइंट की मनस्थिति, बिजनेस की पोजीशन, वो पूरा डिटेल लोगो कोर्स नहीं होगा, एक लेक्चर होगा पूरा, लेकिन आप उसमें बहुत सारी चीजें लोगो के बारे में सीख जाओगे। उसके बाद देन वास्तु और न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन, लकी डायरेक्शंस कैसे निकालते हैं, सबसे मालूम है क्या, न्यूमरोलॉजिस्ट को सबसे ज्यादा पैसा किस में मिलता है बोलो, बिजनेस में, बिजनेस नहीं नहीं न्यूमरोलॉजिस्ट मिरेकल कहाँ पे करते हैं बोलो, इम्पोर्टेंट है इसमें है ना, कोई भी व्यक्ति जो है आपको, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट नेम करेक्शन सिखाता ही नहीं, जो सिखाएंगे आपको आधा अधूरा ज्ञान देंगे और फिर कुछ चीजें छुपा के रखेंगे। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि नेम कितना पावरफुल है। आपको पता है कि अभी म्यूट कर दो प्लीज, सभी लोग म्यूट कर दो, सुनिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि नेम में कितना पावर होता है। नेम न्यूमरोलॉजी जो है सबसे पहले, अभी अब वो क्रोनोलॉजी वगैरह सब बढ़ रहा है, सब चीजें है, मैं क्रोनोलॉजी पे उतना बिलीव नहीं करता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, एक लिमिटेड हद तक बिलीव ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्रोनोलॉजी के पीछे मत पड़ो। और आपको क्योंकि बिना क्रोनोलॉजी के भी बहुत सारे, मैं सिखाऊंगा क्रोनोलॉजी अच्छी वाली बताऊंगा आपको, लेकिन आपको बताया गया कि यूट्यूब पे जब तक आप उसको निगेटिव या सनसनी खेज नहीं डालोगे ना, लोग आपको मानेंगे नहीं। अभी जैसे चल रहा है सबसे ज्यादा 248 248, नवनीत मानधनी का नंबर 9158096524, उसमें 248 सब है, उसमें क्या हुआ है आज तक, सबसे ज्यादा पैसा आता है उस अकाउंट में, उस जीपे और फोन पे में, साल का 2-3 करोड़ आता हो, तो नंबर गलत है, 248 से हम डर गए। फिर उसका बाहु बनाओ, बाहु बनाया कि लगेज पब्लिक, अरे ऐसे नहीं, दूसरा कुआ नंबर जा कुएं में लिख यहाँ पे कुआ नंबर, देख नसीब बदलता है तेरा, सब बेवकूफ बनाने की दुकान। अरे भाई तुम इतने सारे नंबर निकाल दोगे ना, ये वाला नंबर, वो वाला नंबर, ये वाला, आपका लूसो ग्रिड पूरा भर जाएगा, फिर तू भी क्यों मांग रहा है। कुआ नंबर जो है, कुआ नंबर जो काम करता है या कुआ नंबर का यूज एकदम बेसिक है, अगर वो नंबर आपके ग्रिड में नहीं है और आपका वो कुआ नंबर आ गया तो उसके 40-50% अच्छे वाइब्रेशन मिल सकते हैं, वो भी चांसेस कम है। वो हम सब 100 लोग हो आप अभी लाइव, तो आपका ही केस स्टडी लेके देख लेंगे सही है या गलत है, प्रूव हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसे एक वो बोलते हैं ना,
एक जैसे न्यूज चैनल होते हैं, एक अफवाह छोड़ दी बस लोग लगे, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये कर लो वो कर लो। अरे डेटाबेस पे काम करो, जो आपके पास एनालिसिस है उसको लेके काम करो। बेवकूफ भरे ये नंबर वो नंबर, बेचारा क्लाइंट परेशान है, उसको ये दे दिया। अभी आते मेरे पास लोग, सर हम यहाँ पे ये लिखे क्या ये कुआ नंबर की जगह। अरे बेवकूफी है तुम्हारी, तुमको जो नंबर दे के भेजा है भगवान ने, वो नंबर तुम्हारा फाइनल नंबर है, कर्मों के हिसाब से मिला है, अब उस पर हम सब लोग हिसाब करेंगे। अभी देखो मैं आपको नेम न्यूमरोलॉजी का पावर बताता हूँ, आप सबको मजा आएगा। आपको पता है कि न्यूमरोलॉजी में जो है सबसे ज्यादा जो है क्योंकि नेम काम करती है, बराबर है, आप सभी को पता है। तो जब भी ये नाम काम करता है तो नाम के अलग अलग मेथड्स है, जैसे चाल्डियन मेथड है, फिर पाइथागोरियन मेथड, सेफ्रिल के अलग वैल्यूज है। सबसे ज्यादा दुनिया में किसकी ज्यादा क्या कौन सी यूज होती है, चाल्डियन मेथड। चाल्डियन मेथड ज्यादा प्रूवन है। आपको पता है क्या कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश अल्फाबेटिक क्यों चूज किए गए, क्योंकि उनकी साउंड को कैलकुलेट किया गया। आपको पता है कि वन की वैल्यू ए आई जे क्यू वाई में वन आते हैं, आप सभी को पता है ना ये वैल्यूज, नहीं मैं लिख के दूंगा डरो मत, नहीं तो बोलेंगे हम पहले क्लास। अब आपको पता है कि वन वैल्यू किसकी आती है, ए आई जे क्यू और वाई, बराबर है, ये वन की वैल्यू है ए आई जे क्यू वाई। अगर आप उच्चार करोगे ना तो सेम आता है ए आई जे क्यू वाई, इसलिए इसकी वैल्यू वन है। अगर आप टू वाले अल्फाबेट देखते हो, टू वाले अल्फाबेट उनसे बी के आर बी के आर आपका उच्चारण देखो, तीन में कौन से आते हैं सी, ये नेम न्यूमरोलॉजी में सिखाऊंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, आज कुछ भी नहीं लिखना है। अच्छा आपको नोट्स कैसे बनाने वो भी सिखाऊंगा मैं। तीन क्या है, सी जी एल एस, सी जी एल एस। फोर अपना फेवरेट वाला डीएमटी। फाइव क्या है, एच एन एक्स। सिक्स क्या है, यू वी डब्ल्यू। फिर सेवन क्या है, आज देखो आपको बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी, आप सब लोग मजा करोगे सीखने। सेवन क्या है, सेवन है, सेवन बोलिए जिनको पता है, सेवन है ओ ओ और ओ जेड, ओ जेड है, ओके जी, और एट है, हाँ पी है सर, और एफ, राइट। ये वैल्यूज आपको सीखने को मिलेगी, आप उसका टेंशन मत लो, ठीक है, पी एंड एफ, ठीक है। तो अब जो है आपको ये जो चीजें है, ठीक है, ये जो भी वैल्यूज है आपको, देखो एक इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में पता चलेगी, वो क्या है समझ के लो। इसमें ये जितनी भी वैल्यूज है, ये जो मैंने लिखी है, इसमें ये ऐसी वैल्यूज क्यों दी गई थी, इसका लॉजिक क्या है, वो समझने की कोशिश करो। देखो आप सभी को पता है कि वन अगर आप अल्फाबेट देखते हो, वन अल्फाबेट, तो वन ऐसे स्टेट है कि नहीं, एक नंबर, तो एक नंबर वाला आदमी छाती तान के चलता है, हमेशा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात भी करेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, या जिनका भी पहला नाम का अक्षर ए आई जे क्यू आई वो ऐसे दिखेंगे आपको। दो अगर दिखेगा, इमेजिन करो ये कोई आदमी है जिसकी गर्दन झुकी हुई है, गर्दन झुकी हुई है यानी वो उसके इसमें रहता है, दो वाले का कॉन्फिडेंस कम रहता है। तीन अगर नंबर देखते हो न्यूमरोलॉजी का, देखो ये तीन नंबर में इतनी सारी चीजें आके बैठती है, यानी उसका काम क्या है, नॉलेज एक्वायर करना है। चार वाला, इसके मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है, सीधा चलते चलते टेढ़ा हो गया, ये चार नंबर है। पांच वाला क्रॉस बार है, यानी बैलेंस करता है लाइफ और फिर बहुत सारी चीजें करेगा, दैट इज फाइव। सिक्स वाला मटेरियलिटी पहले चाहिए, नीचे से सर्कल बनाया हुआ है तो ज्यादा उसके डिजायर क्या है, फिजिकल डिजायर है, उसको भौतिक सुख चाहिए जीवन में। सात अगर हम इंग्लिश का लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, इसमें दो क्रॉस बार है, उसके जीवन के दो पहलू है, अध्यात्म में या तो अध्यात्म में चला जाए नहीं तो मटेरियलिटी में चला जाए, और वो कंफ्यूज रहता है, उसकी एक मुंडी इधर जा रही है एक मुंडी उधर जा रही है, दैट इज सेवन। आठ वाला बेचारा जिंदगी के धड़कनों से बाहर ही नहीं पड़ रहा है, घूम रहा है इंफिनिटी चालू है। और नौ वाला है जिसके मन के अंदर नौ नंबर में ह्यूमैनिटी बढ़ी हुई है, उसका ऊपर वाला ये पार्ट बोलते इंसान का शरीर है, शरीर का उसका सर है, तो वो लोगों की मदद करना चाहता है, दैट इज नंबर नाइन। इमेजिन करो आंकड़े इंग्लिश के है पर उनको न्यूमरोलॉजी में उनके कैरेक्टर्स मैच होते हैं कि नहीं, आपने अगर बेसिक वीडियो देखे तो आप मुझे बताओ, हाँ या ना बताइए, नंबर्स ऐसे ही बने,
उसके बाद और सुंदर लॉजिक देखिए, इधर देखो, अभी ये मैं ए अल्फाबेट निकाल रहा हूँ, ए निकाला मैंने, ए कैसे निकाला, ये पहला डांडा, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, तो ए का काम क्या है, लीडरशिप रिसोर्सेस को एक करो और उसपे खुद का करियर बनाओ, ये पहला दुनिया का रिसोर्स, खुद का रिसोर्स और उसमें बैलेंस करके आगे बढ़ो, दैट इज ए। बी क्या है, बहुत सारी चीजों को एक साथ पेट में डालते जाओ, दैट इज बी, बहुत सारी चीजें घूमते रहती है इसलिए बी का पेट खराब होता है, नंबर दो। सी वाला बहुत नॉलेज लेना है, नंबर तीन, ये ऐसा है। डी वाला कुछ भी अंदर छुपा के रखेगा आपने। ई वाला पांच की वैल्यू ई थी ना, ये देखो तीन तीन क्रॉस बार एक सीधा, और वो भी बहुत सारी चीजें, तो बैलेंस करना है। ये ऐसे ऐसे ही अल्फाबेट नहीं दिए गए, इनकी कुछ तो लॉजिक है, समझ में आया, इसलिए क्या कि जो है इंग्लिश के अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। बोलो आपने ये कभी सोचा इसके बारे में? किताबें आती गई, हम पढ़ते गए, हमने डेप्थ में देखा नहीं। आपको पता है क्या, आप आपको एक कैरेक्टर पता है, चार्ली चैपलिन? जी सर। चार्ली चैपलिन सभी जानते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 16/4/1891। इसका बीएन क्या था, इनका बीएन क्या था, बोलो, बीएन यानी बर्थ नंबर, बोलो, 7 7 7 7। अच्छा ये सब सिखाऊंगा मैं, आप टेंशन मत लो, बाकी लोग एक जस्ट आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। डीएन कितना आता है, डीएन एन ए टोटल 37 से 1 आया, राइट। अभी देखो 7 और 1 का कॉम्बिनेशन था, इनका ओरिजिनल नाम था पहले चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, जिसके अगर आप प्लीज अनम्यूट रखिए किसी का नाम है तो, जिसके अगर आप वैल्यू निकालते हो तो 79 आती है, 9 और 7 16 यानी अगेन 7। अगर यही नाम इनके जीवन में रहता तो ये जीवन में ऑर्डिनरी ही बन के रह जाते, फिर उनका नाम उसको मिला, क्या मिला उनको नाम, चार्ली चैपलिन मिला, और चार्ली चैपलिन की वैल्यू जाती है 46 पे, अगर आप निकालो तो देखो 3 5 1 2 3 1 5 3 5 1 8 3 1 5 ये जाती है 46। न्यूमरोलॉजी का नेम, न्यूमरोलॉजी का सबसे पावरफुल नंबर माना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 46 नंबर, आपके पुतिन 46 नंबर, तो ये लोगों ने दुनिया पे राज किया, तो इतना पावरफुल। 4 और 6 को तो आप ये समझते हो, पर 4 और 6 से पैदा हो रहा है 1, और वो 1 और 7 उनका जो डीएन और डीएन है वो इतना पावरफुल है, दोनों के लिए लकी है, इसलिए चार्ली चैपलिन दुनिया में छा गए। तो बहुत बार आपका नाम जो है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में नहीं है, नाम आपका नसीब बदलती है। मैंने 2013 में मेरे नाम की स्पेलिंग बदली थी, तब का दिन है और आज का दिन है, वह ईश्वर की कृपा से कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी। प्रीति मैम है क्या आज अपने बैच में, नाम का फर्क गिरता है क्या पूछा था उन्होंने, समझ में आया आपको, आप एग्री करते हो नेम कितना पावर? यस सर, जी जी जी, यस सर, यस सर, यस सर, जिसका क्या कि इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ता ही है, और ये सब हम चीज क्या कि सीखने वाले हैं। ये तो मैंने ये पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, नहीं तो बोलोगे ऐसा क्लास चल रहा, बिल्कुल नहीं, ये तो ट्रेलर है भाई, छोटी मोटी अदाएं मैं बता रहा हूँ, मेरी तो पूरा सीखना है आपको, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है समझ के लो, सबसे पहले हमारे है ना, अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी लोगों को नोटबुक कैसे कर, नोट्स मिलने वाले हैं, लेकिन मैं ना थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला टीचर हूँ, थोड़ा खराब हूँ टीचर, मेरे स्टूडेंट मेरे से उसी लिए डरते हैं। सबसे पहले होमवर्क करना कंपलसरी, होमवर्क करना कंपलसरी, आप कितनी भी एज होगी, आप में से कुछ लोग मेरे से डबल एज के हो सकते हो, होमवर्क इज कंपलसरी ऑलवेज। तो आपको क्या करना है, सभी लोगों को एक प्लेन ये मिलता है, देखो प्लेन पेपर की जेरोक्स के दुकान में नोटबुक मिलती है, राइट, प्लेन वाली बिना लाइन वाली, तो वो येल्लो पेज वाली ला लेना नोटबुक। कौन सी लाओगे, येल्लो पेज। सर येल्लो पेज क्यों, मेरे लिए तो लकी नहीं है, मेरा बी एन डी एन 6 नंबर, वो छोड़ दो भाई, येल्लो देने का मतलब एक ही है, गुरु,
यानी हम विद्या सीख रहे हैं, तो आपको क्या की येलो पेज की एक स्पाइरल वाली अच्छी नोटबुक, जेरॉक्स की दुकान पे जाओ, उसको बोलना येलो पेजेस जो होते हैं पीले कलर के पेजेस, उसका एक स्पाइरल बाइंडिंग करके 200 पेज का नोटबुक बना के दे दे, शायद 200 पेजेस से ज्यादा भी ना चाहिए। दूसरा प्लेन नोटबुक, मैम प्लेन नोटबुक। दूसरा आपको चाहिए एक रेड कलर का पेन, रेड कलर का पेन लगेगा, बाकी भी इंक रखो पर रेड चाहिए। ऐसे बोला जाता है कि जब येलो कलर पे कोई चीज रेड कलर से लिखी जाती है तो वो पूर्णता की तरह जाती है, बोलते वो कंप्लीट होती है। हम बहुत बार रेमेडी में जब विश मांगते हैं तो हम कह कि वो अष्टगंध से लिखते हैं, सारे यंत्र अष्टगंध से बनाते हैं, यानी वो लाल कलर, तो वो शुभ माना जाता है। आपका वो लकी अनलक्की छोड़ दो बाजू में, तो आप अगर नोट्स आपको कहीं पे बनाने बनाओ, लेकिन आप अगर ये फॉलो करते हो तो आपको वो चीजें याद रहेगी। कोई भी चलेगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज, आप में से कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि सर फटाफट सारे नोट्स दे दे हमको, मैं बोलता हूँ मेरे पास नोट्स हर चीज के जब जब जरूरी है मैं नोट दूंगा, पीपीटी दूंगा, पर जब जब मुझे लगता है कि आपने लिखना चाहिए मैं लिख के दूंगा। उल्टा मैं अगर नोट्स दूंगा तो मेरी बैच जल्दी खत्म होगी या लेट खत्म होगी? जल्दी। हाँ, लेकिन मैं आपको उतने ही नोट दूंगा वो जरूरी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल डिक्टेट जब जरूरी है। चलेगा आपको कि नोट दे दो, आप बोल दो नोट दे तैयार है टाइप कर। नहीं सर, अपने आप को सर नोट लास्ट में दे। मैम मैं जब जब नोट जरूरी है तब आपको प्रिंटेड दे दूंगा, और जब जब आपको लिखने को बोलूंगा लिखो आप, चलेगा? चलेगा सर। 100% लिखने को नहीं बोलूंगा, 100% नोट्स नहीं दूंगा, 70% नोट्स मिलेंगे, 30% आपको लिखना पड़ेगा मैम। चलेगा सर। और नहीं तो आप अभी मुझे बोल दो मैं 100% नोट दे देता हूँ तो मेरी बैच दिवाली के पहले ही खत्म हो जाएगी। नहीं सर, लिखवाओ सर, लिखवाओ। आप दिवाली का रेमेडी साथ में करना है सर। दूसरी चीज, आपको केस स्टडीज दिए जाएंगे हर बार। केस स्टडीज क्या की आपको, प्लीज अनम्यूट करिए सब लोग प्लीज। तो आपको जो है केस स्टडीज दी जाएगी, केस स्टडीज पूरी हमको पढ़ाई करनी है और उसमें मजा लेना है एकदम बढ़िया, ठीक है? और कभी मैं गलती में एक हद बार मेरा मूड खराब रह सकता है, क्योंकि मुझे आप प्लीज अनम्यूट म्यूट करिए प्लीज सब लोग, मैं इतनी सेटिंग में परमानेंट हूं, मैच में मजा नहीं आएगा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरा मूड खराब रह सकता है, क्योंकि आपके बैच के पहले अगर मुझे खाना अच्छा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो मैं कभी कभी आपको कुछ बोल सकता हूँ, तो कृपया करके आपका छोटा भाई समझकर माफ कर देना। मेरा प्रयत्न रहेगा कि मैं मेरे टेम्पर पूरे मैनेज करूँ और आपको बेस्ट दू, और अगर आपको मेरा बेस्ट चाहिए तो मुझे कॉपरेट करो बैच में, आपको 500% मिलेगा। डन। सो अभी हमारी बैच चालू होगी फ्राइडे से। आप में से आपके कुछ दोस्त होंगे जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, इतने सारे टॉपिक, आप मुझे प्रामाणिकता से बोलो, इतना बड़ा सिलेबस पूरे इंडिया में कोई सिखाता है क्या, मुझे ये बता दो। नहीं सर, मतलब ही नहीं है सर, और तरीके से और एकदम आराम से सीखेंगे। मैंने कभी गड़बड़ नहीं की सिलेबस कंप्लीट करने में, पूरा का पूरा सिलेबस आपको बताया जाएगा और एकदम मस्त हम सीखेंगे सारी चीजें, और आपका कोऑपरेशन चाहिए। हमारे ग्रुप में जो मैम है वो आपके सबके मेल आईडी वगैरह सबके लिए हुए रहेंगे उनके पास, और क्योंकि ये जो है आपको खाली आज एक काम करना है, लगभग अभी 95-96 लोग जो है वो यहाँ पे, प्लीज म्यूट रखिए ना, मैं नहीं तो बोल नहीं पाऊंगा,
आप सब लोग समझदार है, हमने 18 साल एज क्राइटेरिया इसीलिए रखा है, बच्चे नहीं है कोई भी, म्यूट रखिए, ठीक है। तो खाली एक चीज ऐसी हुई है कि पिछले 3 दिनों में सबसे ज्यादा एडमिशन्स हुए, पुराने स्टूडेंट भी है। तो मेरी खाली एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबको, आज का ये लेक्चर होने के बाद आप सब लोग 4 चीजें भेजोगे, 4 चीजें मुझे लगेगी, आपका पूरा नाम, दूसरा आपने भेजा है तो भी भेजो, और एक बार किस नंबर पे भेजना है वो बोल दूंगा, आपका पूरा नाम, आपका मेल आईडी जो चालू है, क्योंकि आप बाद में मेल आईडी बदलोगे, ऐप मैं शिफ्ट नहीं करूंगा बार बार, ठीक है, आपका मेल आईडी, तीसरा आपका नंबर जिस पे आपको ओटीपी आएगा ऐप के लिए, और चौथी चीज जो मुझे चाहिए, आपने जो भी पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट। तो ये 4 चीजें जो मैम आपका सब कुछ हैंडल कर रही थी उनके नंबर पे भेजना है, उनका नंबर लिख लो आप लोग, 8208406714, 8208406714, ठीक है। तो इस पे आपको सबको भेजना है, फ्राइडे को शार्प 9 बजे बैच चालू हो जाएगी, पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जब जब मुझे लगेगा नोट्स देना है मैं नोट्स मैक्सिमम दूंगा, लेकिन मुझे मेरे हिसाब से सिखाने दो कि मुझे जब लिख के देना है मैं लिख के दूंगा, जब नोट दूंगा नोट्स। अब आपको एक टीचिंग फिलॉसफी पता के मैं आज का लेक्चर 1 ही घंटे का था खत्म कर रहा हूँ। आपको पता है कि अगर आपको अच्छा स्टूडेंट बनना है, आप में से कोई टीचर भी होंगे, तो समझो आज जो भी सिखाया है उसको, समझो हमारी 2 ही दिन की बैच है, हमने फ्राइडे को जो सीखा उसको कृपया करके सैटरडे सुबह रिवाइज कर लेना, तो आपको आधा टाइम लगेगा, 2 घंटे की बैच रिवाइज करने को 1 घंटा लगेगा 45 मिनट। सैटरडे को जो सिखाया संडे के दिन, फ्राइडे और सैटरडे दोनों को भी आपको क्या की एक साथ क्या की रिवाइज करना है। फिर जब आप नेक्स्ट फ्राइडे को आओगे, उसके पहले थर्सडे को अगर आपने पिछला सैटरडे वगैरह रिवाइज करने को लिया तो उसको सिर्फ 15-15 मिनट लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कोई भी चीज भूलोगे नहीं और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सब सीख जाओगे, कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको हफ्ते में 2 ही दिन मिलना है, नॉर्मल ह्यूमन बींग 7 दिन के गैप के बाद 75% चीजें भूल जाता है। आप तो उसमें सब लोग, अभी ब्रेन का रिटायरमेंट का समय आ गया है, तो कृपया करके हर लेक्चर के पहले पूरा पढ़ के आना। अगर आप उस लेक्चर को अब्सेंट हो तो पुराने लेक्चर का सब कुछ पहले रिकॉर्डिंग देख लेना फिर आना, क्योंकि आप बीच में ही बोलोगे कि बाबा मुझे ये नहीं समझा वो नहीं समझा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और बैच का टाइम बदलेगा नहीं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्राइडे सैटरडे 9 से 11। अगर कभी जरूरत पड़ी, मैं कहीं पे नहीं हूं, अगर छुट्टी हो गई, आप सबकी सहमति रही तो एक आध लेक्चर कभी आगे पीछे हुआ तो संडे को लेंगे, पर आपको पूछ के दूंगा। और जितना मैंने कमिट किया है, आपको पता है जो मैं एस्ट्रो सिग्नेचर सिखाता हूँ वो दुनिया में कोई नहीं सिखाता है, और उसकी जो फीस है, मैंने खुद ने क्लास ज्वाइन किया था, 5,000 रुपया फीस ली थी, 1 घंटे का क्लास था, उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन पूछा और मुझे बैच में ही नहीं लिया। और फिर उसके बाद जो मैंने सिखाया एस्ट्रो सिग्नेचर, आपको मैं सिग्नेचर बनाना सिखाऊंगा, लोगों में क्या देखना है सिखाऊंगा, स्वर विज्ञान, अरे स्वर विज्ञान का तो यूज आप आज से चालू कर दो। आप में से कितने लोगों को ऐसी इच्छा है कि कल से आपका दिन बढ़िया हो जाए? सर माला सबको यहाँ पे सबको करना है सर। अभी अभी सब लोग है ना म्यूट करके मेरी तरफ देखोगे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। आज रात में आप जब सोने को जाओगे, सबसे पहली चीज, कभी भी सोने को जाने के पहले अपने पांव धो लेने चाहिए, क्योंकि हम पूरे दिन भर जहां पे घूमते हैं वहां की निगेटिव एनर्जी जो होती है वो हमारे साथ आती है, कैसी भी एनर्जी हो। पांव धोने के बाद आपके बेडरूम में जाने के बाद पहले अच्छे से या तो वज्रासन में बैठ जाए या तो पालथी में, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाए। वो बैठने के बाद आपको आपकी नाड़ी चेक करनी है। नाड़ी कैसे, ऐसे यहाँ पे लेके गए या तो यहाँ लेके, अभी देखो बोला कौन सी नाड़ी चल रही है, जस्ट चैट बॉक्स में डालो, राइट है लेफ्ट, राइट राइट,
राइट लेफ्ट कोई भी किसी दोनों की चल रही होगी दोनों चल रही है दोनों चल रही है तो जो भी नाड़ी आपकी चल रही है राइट या लेफ्ट तो वो नाड़ी आपकी समझो मेरी अभी राइट चल रही है ठीक है तो आपको क्या करना है राइट की तरफ देखना है देख के सांस को अंदर लेना है जो भी आपकी मनोकामनाएं कल के काम है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो पूरे हो रहे हैं ऐसे अज्यूम करना है ऐसे वो काम हो रहे हैं ऐसे अज्यूम करना है फिर उसके बाद आप जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान के आप नाम ले लो 108 बार या फिर मैं तो जनरली क्योंकि कुछ मैं तो श्रीम बोल के सो जाता हूँ 108 बार अपने को तो नींद में भी अपन सोए रहे फिर भी पैसा आते रहना चाहिए सुबह उठ के देखता हूँ तो 2-3 अकाउंट तो क्रेडिट हो ही जाते हैं तो फिर वो देखने के बाद फिर जिस साइड की आपकी नाड़ी चल रही थी उस तरफ गर्दन करके सो जाओ अब बीवी राइट साइड में सोई है या पति राइट साइड में सोया है तो उतना टेंशन लो मत उस समय रात में पलटी मार लेना लेकिन जनरली जब पहली बार सोओगे तब उस तरफ गर्दन करके सो जाना फिर दूसरे दिन सुबह उठोगे आप दूसरे दिन सुबह उठने के बाद ऐसे तो बहुत से लोग हड़बड़ी में उठते हैं बेचारे अलार्म बज बज के बेचारा बोलता है मालक उठ जाओ अब मैं बंद हूं क्या लेकिन आप प्रॉपर टाइम पे उठते ऐसे मैं अज्यूम करता हूँ वो उठने के बाद आपको क्या करना देखो आपके कल से नसीब बदलना चालू हो गए बैच सीख के जो सीखोगे उससे पैसा बाद में कमाओगे फिर उठे आप जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म की जो भी प्रार्थना जो भी भगवान है उनका नाम लेना है हाथ को देख के मैं जनरली अपन तो सिर्फ लक्ष्मी को मानते तो मैं तो श्रीम बोलता हूँ 108 बार फिर वो बोलने के बाद मैं वापस से नाड़ी चेक करता हूँ समझो मेरी अभी लेफ्ट नाड़ी चल रही दूसरे दिन सुबह मैंने लेफ्ट की तरफ देखा आंखें बंद की आज जो भी मेरे काम होने हैं वो इमेजिन कर लिया फिर अगर मेरी लेफ्ट नाड़ी चल रही तो मैं लेफ्ट पांव जमीन पे पहले रखूंगा राइट चल रही है तो राइट पांव पहले जमीन पे रखूंगा और फिर मैं मेरे दिनचर्या में जाऊंगा मैं और उसके आगे भी क्या करता हूँ आपको बताता हूँ मैं जाता हूँ घर के ब्रह्म स्थान में मेरे पूरे सीक्रेट बता दे रहा हूँ आपको अपने को 100 नवनीत बांधनी तैयार करना है तो 100 लोगों को 100 सीक्रेट देने पड़ेंगे घर के ब्रह्म स्थान में जाता हूँ और ब्रह्म स्थान को नमस्कार करता हूँ क्योंकि ब्रह्म स्थान अगर बिगड़ा है आपका तो कुछ भी नहीं हो सकता उसको नमस्कार करो पांव पड़ो और सूरज भगवान सामने है अगर आप उस समय उठते हो उनको नमस्कार कर दो अब आप ये अनुभव मुझे शुक्रवार को बताना कि आने वाले 5 दिन कैसे गए नहीं अगर आपके ये दिन ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाएंगे तो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ ऐसे हो ही नहीं सकता यू विल फील द चेंज अगर कुछ गलत होने वाला है तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी अच्छा होने वाला है तो वो डबल हो जाएगा दैट इज गारंटी ये आपकी दिनचर्या से हर चीज इक्वल डिस्टेंस पे है घर में उसको मिडल स्थान को ब्रह्म स्थान बोलते हैं एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि वो मिडल ही हो एग्जैक्ट मिडल हो बट घर के मिडल में आ जाना ठीक है सर घर के मिडल में जी गाड़ी चालू है तिथून जर श्वास घेतला तो ते श्वास सोडायचा कधी हां मैम इमिडिएटली पाय ठेव पाय पहले ठेवायचा मग सोडायचा आपको सांस छोड़ा हुआ पता ही नहीं होना चाहिए स्लोली छोड़ देना है ऐसे एकदम बोल दो अपने को बाबा रामदेव नहीं बनना है अनुलोम विलोम नहीं करना है ठीक है यस चलो आई होप आज आपने आपने जो फीस पेड की उसका 100-200 रुपया तो आज ही नहीं 1000 रुपया रिकवर हो गया ना और क्या पता कि एक रेमेडी से आप कोई करोड़पति बन जाओ बोलो सर इतनी कम फीस क्यों ली और ले लो तो कर देना हाँ दोनों नाड़ियां अगर चल रही है तो सर नेक्स्ट लेक्चर में सिखाएंगे एक नाड़ी कैसे मैंने एकता कपूर से ये तो सीखा है कि कब टू बी कंटिन्यूड बोलना है तो अगला एपिसोड देखे चलो आपके परमात्मा को प्रणाम वेलकम टू द फाउंडेशन God bless you, sir.
थँक यू सर, गुड नाईट. थँक्यू सर. थँक्यू. गुड नाईट.